हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्रम्स लॉकडाउन सीरीज में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास और इस ज्योग्राफी में बेसिकली हम लोग देख रहे थे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। इस क्लाइमेटोलॉजी में आज की क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट्स के बारे में। ये सारे के सारे क्लाइमेट और इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सारा कुछ हम लोग जीसी लियोंग बुक से देख रहे होंगे। तो बेसिकली जीसी लियोंग को आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सारी बातें जो कुछ भी डेटा मटेरियल या जो कुछ भी देखेंगे सारा कुछ हम लोग जीसी लियोंग से देख रहे हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन विच आर बेसिकली करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड जीएस मेंस टेस्ट सीरीज। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली मटेरियल है जिसको हम लोग रेफर करेंगे क्लाइमेट के लिए। ये सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, वहां पर जा करके आप इसको रेफर कर सकते हैं रिवीजन के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में। इस इक्वेटोरियल क्लाइमेट के सबसे पहले रीजन आप देख लीजिए। तो रीजन आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर इक्वेटर लाइन बीचों बीच से जब गुजर रही है तो इसके वेस्टर्न इलाके जितने भी है वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे कि वो इक्वेटोरियल रीजन बना हुआ है। इस इक्वेटोरियल रीजन के अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैप आपने देख ही लिया, इक्वेटोरियल रीजन के आसपास का इलाका हो गया है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं जब हम लोग अपने क्लाइमेट के सेक्शन को देख रहे थे डिटेल के बारे में। टेम्परेचर, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को जब देख रहे थे तो आपको एक क्लैरिटी दिखी होगी क्या चीज है। बेसिकली हम लोग उस चीज को ही रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें तो मेन रीजन बेसिकली कौन कौन से हैं। साउथ अमेरिका में आपको देखने मिलेगा अमेजन बेल्ट हो गई, अफ्रीका में आएंगे तो कॉन्गो बेल्ट हो गई, साउथ ईस्ट एशिया हो गई और ये बेसिकली 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के देखने को मिलती है। ये वो रीजन होते हैं जहां पर बेसिकली इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड अल्टीमेटली लीड टू मॉनसूनल इन्फ्लुएंस देखने को हमें मिल रहा होता है। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इसका जो एनुअल रेंज टेम्परेचर का होता है वो ज्यादा वैरी नहीं करता है। और वैरी नहीं करने का मतलब लगभग 2 डिग्री के नियर अबाउट में ही चेंज होता है। अगर मान लीजिए गर्मी के मौसम में, समर के मौसम में अगर मान लीजिए इसमें जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री अगर नोट की जा रही है तो विंटर के मौसम के दौरान में 38 डिग्री नोट किया जाएगा। यानी यहाँ ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो। लेकिन अगर वही हम लोग बात करते हैं कि हम लोग देखें अगर फिगर मतलब कि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उसको हम लोग डाययूर्नल बेसिस पे देखें यानी डे और नाइट के बीच का डिफरेंस देखें तो वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट। इस इलाके में डेजर्ट होने के कारण से दिन में काफी ज्यादा गर्मी होती है और रात में काफी ज्यादा ठंड पाई जाती है। उसके पीछे रीजन क्या होती है, उसके पीछे साफ साफ रीजन है स्पेसिफिक हीट का MS डेल्टा टी S के बारे में है जिसके कारण से टेम्परेचर जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का जो डिफरेंस डेल्टा टी है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। रेनफॉल के बारे में बात करें तो जनरली रेनफॉल तो थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है क्योंकि यहां पर कंडीशन ही कुछ ऐसी बनती है जिसके कारण से कन्वेक्शन जनरेट होती है और उस कन्वेक्शन के कारण से कन्वेक्शनल रेनफॉल होना शुरू हो जाती है जो कि अपने दिन के दौरान में होती है। इंसुलेशन काफी ज्यादा होता है और उस इंसुलेशन के हिसाब से कन्वेक्शन जनरेट होने के कारण से दिन में 3 बजे के आसपास वही कन्वेक्शनल रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है। तो रेनफॉल के बारे में यहाँ पर फटाफट देख लीजिए कि बेसिकली नो मंथ इज विदाउट रेनफॉल यानी थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल हो रही है। रेनफॉल हैज 2 मंथली पीक, एक होती है मार्च में और एक होती है सेप्टेम्बर में। ये दोनों मंथ ऐसे मंथ है जहां पर सन अपने पीक पे होता है यानी 12 बजे आपको सन सीधे अपने सिर के ऊपर दिखाई देगा यानी ये इक्विनॉक्स का पीरियड है। बिकॉज द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड रेनफॉल इज कन्वेक्शनल, रेनफॉल इज लीस्ट ऑन सोलस्टिस। एज वन गो नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन द रेनफॉल पैटर्न स्टार्ट टू गेट डिस्टर्ब बाय द मॉनसूनल विंड क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएंगी शिफ्टिंग ऑफ द आईटी सीजन हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें मॉनसूनल विंड का बनना देखने को मिलेगा जिसके कारण से अगेन यहां पर जो भी मॉनसूनल विंड या जो भी ट्रेड विंड है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके वेजिटेशन के बारे में बात करें तो यहां पर ट्रॉपिकल एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट पाई जाती है जो अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर जानी जाती है जैसे अमेजन में सिल्वास के नाम से जानी आ रही है। ग्रोइंग सीजन पूरा ऑब्वियसली इंटायर रीजन ही होगा। ये इलाका काफी ज्यादा बायोडाइवर्स है यानी यहां पर काफी तरीके की पेड़ पौधे फ्लोरा एंड फौना पाई जाती हैं जिसके कारण से इसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है।
अभी रिसेंट में ब्राजील में फायर्स में फायर लग गई थी अमेजन के फॉरेस्ट में, काफी ज्यादा उसका पोलिटाइजेशन हो गया था जिसके कारण से अगेन ब्राजील को मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा था और अल्टीमेटली हम लोग उसको शांत करा पाए थे। लेकिन उसके बाद से एक क्वेश्चन उठना शुरू हो गया था कि अगर ये लंग्स ऑफ द प्लैनेट हमारे अमेजन के फॉरेस्ट हैं तो उसके कारण से अगर वो लॉस हो जाता है तो क्या एनवायरनमेंट पे डैमेज हो जाएगा, तो उसके कारण से अगेन वो डिस्कशन हुआ था। इस वजह से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू टू मेमोराइज दिस फैक्ट, क्योंकि एग्जाम में अगेन आने की संभावना है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में बना था। इसके अलावा यहाँ पर एपिफाइट्स पाए जाते हैं। एपिफाइट्स बेसिकली वो प्लांट होते हैं दैट ग्रो अपॉन अदर प्लांट नॉन पैरासिटिकली, दे ड्राइव ओनली फिजिकल सपोर्ट एंड नॉन न्यूट्रिशनल फ्रॉम द देयर होस्ट। तो इस तरीके से एपिफाइट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में बेसिकली हेल्प लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। फॉरेस्ट इज अरेंज्ड बेसिकली तीन कैनोपी में होती है, एक सबसे बड़े, उससे छोटे और फिर सबसे नीचे सबसे छोटे, और उसके बाद से हर्ब होती है जो छोटी छोटी घासें होती हैं वो होती हैं। कैनोपी पाए जाने के कारण यहां पर सूर्य की जो रोशनी होती है यानी कि जो आपके सनलाइट होती है वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण से यहाँ की जो जमीन होती है वो दलदली होती है, मार्शी एरियाज होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट मार्शी एरिया यहां पर मीथेन गैस का काफी ज्यादा रिलीज देखने को मिलता है। जो मेन क्रॉप यहां पर है बेसिकली वो रबर हो जाती है, कोको हो जाती है, कोकोनट होती है, शुगर होती है, कॉफी, टोबैको, स्पाइसेस एंड बनाना। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो यहां पर जो कैलिजी सेकेंडरी फॉरेस्ट होता है बेलुकर नाम से उसको जाना जाता है। बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है बेलुकर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे बेलुकर आपकी जैसे मलेशिया में ही हो गई, झूम कल्टीवेशन हो जाती है, इस तरीके से कई सारे नामों से जानते हैं। इसकी डिटेल मैं आप लोगों को टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा जिसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगेन यहाँ पर कैनोपी काफी ज्यादा होती है और जो सनलाइट है वो जमीन तक नहीं आ पाता है। काफी ज्यादा ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं और ये ट्राइब अगेन अपने वही प्रिमिटिव स्टेज में है, यानी बहुत पिछड़े बैकवर्ड एरिया में है अपने। यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है वो बिकॉज ऑफ हाई लीचिंग लैटेराइट टाइप की सॉइल पाई जाती है और साथ ही साथ रेड एंड येलो टाइप की सॉइल पाई जाती है जिसमें फर्टिलिटी काफी कम होती है। अगर ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात करें तो अमेजन फॉरेस्ट में, साउथ अमेरिका, कांगो में, बेसिकली इन सारे इलाकों में ट्राइब्स रहती हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये जो ट्राइब्स होती हैं बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती हैं और अपने प्रिमिटिव स्टेज में है, यानी यहाँ पर टेक्नोलॉजी, साइंस इन सब का कोई महत्व नहीं है। ये अभी वही अपने पिछले कह लीजिए पाषाण काल जो होती थी उस वाले एज में अभी भी रुके हुए हैं क्योंकि इनका डेवलपमेंट ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि एरिया ही नहीं डेवलप्ड है। सीधी सी बात है, क्योंकि एरिया ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज्यादा टफ है यहाँ पर रहना। Island of Java stand in striking contrast to other equatorial areas. The island is inhabited by farmer for several countries owing to its fertile volcanic soil. The island of Java with its high fertility volcanic soil is the most populous island in the world despite its equatorial region. इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास दिया नहीं है तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। आगे अगर बढ़े और नेक्स्ट क्लाइमेट टाइप के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्लाइमेट टाइप हमारी आती है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, जो बेसिकली इंडिया और साउथ एशिया में पाई जाती है, जहां पर म्यांमार हो गई, हांगकांग हो गई, ये सारे लाओस, कंबोडिया, ये सारे रीजन्स जो होते हैं वो इस तरीके के क्लाइमेट से कह लीजिए रिपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का भी जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर भी मॉनसूनल क्लाइमेट देखने को मिलता है, लेकिन वो अलग तरीके से देखने को मिलता है। यानी कि जो नॉर्दर्न साइड में जब सन आती है तो उसके कारण से नॉर्थ हेमिस्फीयर में मॉनसूनल क्लाइमेट बनती है, और जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में जाती है तो सदर्न साइड में बनती है। यहीं पर वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे, जैसे एलिनो हो गया, लानीना हो गया, इंडियन ओशियन डायपोल हो गई, मैट जूलियन कंसेप्ट हो गया, और साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था ओमेगा ब्लॉक के बारे में। ये सारा का सारा डिस्कशन आपको इस पॉइंट में ही अप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ये पाई जा रही है, साथ ही साथ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा कुछ खास जगह पर नहीं पाई जाती है। एंड हियर बेसिकली द मॉडिफिकेशन इज बीइंग डन बाय ऑनशोर ट्रेड विंड्स एंड द रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इवनली थ्रू आउट द ईयर। हालांकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन में काफी चेंजेस होते हैं क्योंकि इलाके में हर जगह पर रेनफॉल सेम नहीं होती है, अलग अलग टाइप की रेनफॉल देखने को मिलती है। सीजन में बात करें तो बेसिकली चार टाइप के यहां पर सीजन देखने को मिलते हैं, जैसे
कूल सीजन हो गई यानी विंटर सीजन हो गई, फिर उसके बाद से हॉट सीजन होती है, इसी तरीके से हमें रेनी सीजन भी देखने को मिलती है और एक ऑटम सीजन भी देखने को मिलती है। तो बेसिकली चार टाइप की सीजन देखने को मिलती है, चार टाइप की वेदर कंडीशन देखने को मिलती है। रेनफॉल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कन्वेक्शनल भी होती है, ओरोग्राफिक भी होती है, और साथ ही साथ में रेडिएशन टाइप की, या फिर कह लीजिए कि मॉइस्चर के कारण से भी रेनफॉल हो रही होती है। पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ द विंड होता है, एंड दैट इज बेसिकली द मॉनसून विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहां पर कुछ और अदर इंपैक्ट भी आते हैं, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गई या डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट, इस तरीके की सिचुएशन भी यहां पर बन जा रही होती है। वेजिटेशन के बारे में बात करें तो वेजिटेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि सॉइल कंडीशन कैसी है। तो यहां पर अलग अलग तरीके की सॉइल पाई जाती है, जैसे लैटेराइट सॉइल, वहां पर जहां रेनफॉल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसी तरीके से जहां पर रिवर पाई जाती है वहां पर आप एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, और रेड एंड येलो सॉइल उस इलाके में जहां पर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से हो रहा होता है। तो सॉइल हमें काफी टाइप की यहां पर देखने को मिलती है, और इस अलग अलग सॉइल टाइप के होने के कारण से यहाँ पे वेजिटेशन भी काफी अलग टाइप का होता है, जैसे ट्रॉपिकल डेसीडुअस हो गई, ट्रॉपिकल मॉइस्ट हो गई, तो हमें अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। मेन क्रॉप में राइस, शुगर, जूट, वीट, कॉटन, कॉफी, इन सारे इलाकों में देखने को मिल जाती है। ये इलाके अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कुछ इलाकों में रेनफॉल के साथ साथ ह्यूमिड कंडीशन के साथ साथ हाई सनलाइट यानी कि हॉट कंडीशन भी होती है। कुछ इलाकों में कंडीशन ह्यूमिड होती है लेकिन टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता है, तो इस कारण से वेरिएशन इन द टेम्परेचर, वेरिएशन इन द रेनफॉल अल्टीमेटली लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इन दीज रीजियन। एग्रीकल्चरल डेंसिटी काफी ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इसी रीजियन में किया जाता है, वो आप लोग देख भी सकते हैं, इस इलाके में एग्रीकल्चर के नाम से ही जाने जाते हैं। यहाँ पर शुगर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है, जैसे इंडिया भी हो गई, जो कि काफी ज्यादा शुगर प्रोडक्शन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसके आगे अगर हम लोग दूसरे क्लाइमेट टाइप के बारे में बात करें तो बेसिकली अगली आती है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट का मतलब ये है जहां पे मैरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिलती है, यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर हमें इस तरीके की क्लाइमेट देखने को मिलती है। ये कोस्टल एरियाज जैसे जो भी समुद्र के किनारे हैं, जैसे ब्राजील हो गई, वेनेजुएला हो गई, या फिर जो मिडिल अमेरिका की कंट्रीज जैसे ग्वाटेमाला हो गई, या फिर बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर पनामा वगैरह हो गई, साथ ही साथ अफ्रीका की कंट्री में अगर बात करते हैं तो मोजाम्बिक हो गई, ये मेडागास्कर हो गई, तो ये इस तरह की कंट्री होती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री जैसे इंडोनेशिया हो गई, ये फिलीपींस हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको जो टॉप का क्वींसलैंड है वहां पर भी इसी तरीके की क्लाइमेट देखने को मिलती है। हालांकि ये जो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट है ये इंडिया में भी कुछ पार्ट में देखने को मिलती है, जो भी कोस्टल एरियाज में, लेकिन इतना सिग्निफिकेंटली इसलिए यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि हर उस इलाके में जहां जहां कोस्टल रेनफॉल, मतलब कोस्टल इलाका है। रेनफॉल के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए वही सी ब्रीज, लैंड ब्रीज चलती रहती है, जिसके कारण से रेनफॉल यहां पर काफी आम है, बट ये रेनफॉल हैवी नहीं होती है, क्योंकि यहां पर जो रेनफॉल जनरेट होगी वो किसके कारण से होगी बताइए। सारा का सारा क्लाइमेट आपने पढ़ लिया है, किस लिए होगी? फ्रंट रेनफॉल होगी, यहां पर फ्रंट जनरेशन होगी, क्योंकि यहां पर हॉट एयर मास, या फिर कह लीजिए वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास बेसिकली आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टकराएगा और अल्टीमेटली फ्रंट बनाते हुए यहां पर शावरिंग कर देगा, यहां पर हल्की रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो वही यहां पर बोलता है इट इज बोथ ओरोग्राफिक एंड कन्वेक्शनल, हालांकि ओरोग्राफिक और कन्वेक्शनल भी होती है, तो इट इज मैक्सिमम इन द समर बट विदाउट एनी डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन। कोस्टल इलाके में तो सीधी सी बात है टाइफून या फिर साइक्लोन या फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स टाइप की चीजें यहां पर नोट करने को देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, जैसे अभी रिसेंट में ही एम्फन आई थी, या फिर कई सारी और भी आई हुई थी अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। आगे अगर नेक्स्ट क्लाइमेट जोन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल सवाना, जिसको कि हम लोग सूडान टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं, क्योंकि सूडान में बेसिकली इस तरीके की क्लाइमेट को पहले नोट किया गया था। ये बेसिकली अगेन ट्रॉपिकल रीजन में ही पाई जाती है, यानी कि जो भी ट्रॉपिकल मॉइस्ट या ट्रॉपिकल मॉनसून के बारे में हम लोगों ने बात किया था उसी के बियॉन्ड होगा, उसी के लमसम उसी के आसपास ही होगा। तो इलाका हम लोग देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। ये इलाका ब्राजील भी और साथ ही साथ में जो अफ्रीका में अलग अलग कंट्री जैसे सीरिया लियोन हो गई, माली हो गई, सूडान हो गई, इन सारी कंट्री में हमें देखने को मिलती है, और साथ में ऑस्ट्रेलिया में जब आप आ जाएंगे तो यहां पर ग्रेट विक्टोरिया के पास में हमें देखने को मिल जाएगा।
ये इलाका आप देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया। यहाँ पर एक ग्रास पाई जाती है विच इज लानोज इन द ओरिनोको बेसिन और कंपोज इन बेसिकली ब्राजील। ये दोनों के दोनों घास के मैदान जो है वो साउथ अमेरिका में है। इसके अलावा और भी घास के मैदान होते हैं, हम लोग बात करेंगे आगे। सीजन में अगर बात करें तो अगेन यहां पर हल्की रेनफॉल जैसे ट्रॉपिकल मॉनसून या ट्रॉपिकल मॉइस्ट में देखने को मिलती है, उसी तरीके की रेनफॉल यहां पर भी देखने को मिलती है, लेकिन ये रेनफॉल थोड़ी स्कैंटी होती है। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऑब्वियसली मॉइस्चर खत्म होते आएगा, मॉइस्चर खत्म होने के कारण फिर अल्टीमेटली वहां पर बारिश की भी जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि हॉट रेनी सीजन मतलब कि मई से सितंबर नॉर्थ हेमिस्फीयर में और अक्टूबर से मार्च होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। कंडीशन विल बी सेम काइंड ऑफ, क्योंकि दोनों के हिसाब से जो सन की पोजीशन है वो एक जैसी देखने को मिलेगी। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द लेंथ ऑफ रेनी सीजन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल वर्ल्ड, क्योंकि अगेन वही मॉइस्चर नहीं मिलता है, कम हो जाता है। ट्रेड विंड ब्रिंग रेन्स टू द ईस्टर्न कोस्ट बट बिकम ड्राई बाई द टाइम दे रीच इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये इलाका अगेन वही हल्का सा कूल और ड्राई सीजन देखने को मिल जाती है, हालांकि थोड़ी ह्यूमिडिटी जरूर होती है बट ये मोस्टली जो होती है ड्राई सीजन देखने को मिलती है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर नियर अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस देखने को मिलता है एंड दिस रेंज इंक्रीज एज वी मूव फॉरवर्ड। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑब्वियसली उसमें रेंज में काफी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इलाका अब इंसुलेशन में एक डिफरेंस रखेगा। समर के टाइम में अलग इंसुलेशन होगी, विंटर के टाइम पे अलग इंसुलेशन हमें नोट करती हुई मिलेगी। क्लियर। यहां पर कुछ और लोकल विंड्स चलती हैं, जैसे हर्मट्टन हो गई जो कि कह लीजिए कि जो होता है अफ्रीका में चल रही होती है। सिमिलरली अलग अलग टाइप की भी और डिफरेंट टाइप की यहां पर लोकल विंड्स चल रही होती हैं। दे कम फ्रॉम डेजर्ट एंड ह्यूमिड, रेयरली एक्सीड 30%। इट इज कॉल्ड द डॉक्टर बिकॉज इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम द मॉइस्ट सी विंड्स। तो इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी लोकल विंड्स पे हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। अगर वेजिटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ग्रासलैंड्स होती है बेसिकली, एंड दीज ग्रास, ये ग्रास घास कब उगती है, हल्की सी बारिश हो जाए, ह्यूमिड रीजन हो जाए और धूप मिल जाए तो बस घास उग गई। तो सेम कंडीशन वही यहां पर भी है। इट लेज डॉर्मेंट ड्यूरिंग कूल ड्राई सीजन, ट्री डिक्रीज इन हाइट एंड डेंसिटी पोलवर्ड एंड सम ट्री आर डेसीडुअस, मतलब कि पत्ते गिरा देते हैं एंड दे शेड देयर लीव्स इन कूल ड्राई सीजन टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो इस तरीके से यहां पर सिस्टम पाई जाती है। हैवी रेनफॉल इन हॉट वेट सीजन लीड टू इंटेंस लीचिंग ऑफ द सॉइल। लीचिंग के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ है, जिसके कारण से इल्लुविएशन और इल्लुविएशन, ईएल और IELL, ये दो अलग अलग सिस्टम देखने को मिलती है। और इस कारण से जो भी न्यूट्रिएंट जो होती है वॉश अवे हो जाती है, इसके कारण से यहां पर हमें जो सॉइल है वो एसिड सॉइल देखने को मिल जाती है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज वेरी पॉपुलर इन ऑस्ट्रेलिया, और इस तरीके से यहां पर हमें अलग अलग टाइप की एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिल जाती है। अगर इसके हम लोग और आगे बात करें तो सवाना क्लाइमेट इज कन्फर्म्ड विद इन ट्रॉपिक्स एंड इज बेस्ट डेवलप्ड इन सुडान एंड दैट इज वाई दे आर बीइंग नेम्ड एज सुडान टाइप क्लाइमेट। सवाना इज वेरी बिग गेम कंट्री, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल यहाँ पर ट्रैप्ड होते हैं, किल किए जाते हैं और अल्टीमेटली जो होता है इसके जो भी मीट होती है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। यहाँ पर कुछ अलग अलग ट्राइब की ट्राइब्स पाई जाती है, जैसे एक मसाई ट्राइब होती है जो ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है और ये बेसिकली पास्टोरलिस्ट है, मतलब ये बेसिकली अपना जो काम करते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड होते हैं। द हौसा ट्राइब जो सवाना रीजन ऑस्ट्रेलिया मतलब कि नाइजीरिया में पाई जाती है, वो भी अगेन एग्रीकल्चरलिस्ट है और वो भी इसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। सवाना रीजन ऑफ ब्राजीलियन प्लेटू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू एंड द वेस्ट अफ्रीका हैव डेवलप्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर इन द सिलेक्टेड एरियाज। तो ये बेसिकली प्रिमिटिव ही होते हैं, यानी कि अपने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से ही रिलेटेड होते हैं। आगे अगर बात करें हमने नेक्स्ट क्लाइमेट के बारे में तो दिस इज डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के डेजर्ट देख सकते हैं। डेजर्ट के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ओशनोग्राफी में जब डिस्कस किया था वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि जो कोल्ड करेंट होती हैं वो डेसिकेटिंग इफेक्ट लेकर के आते हैं, यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर की कमी देखने को मिलेगी, स्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण से वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में कभी भी बारिश नहीं होती है और इस बारिश न होने के कारण अगेन ये इलाका डेजर्टी बन जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका से ही आप देख सकते हैं कि वहां पर मोहावी डेजर्ट है, इसके अलावा एक और डेजर्ट यहाँ पर सोनोरन डेजर्ट पाया जाता है। सिमिलरली आप साउथ अमेरिका में देख सकते हैं अटाकामा डेजर्ट हो गई या फिर पेटागोनिया डेजर्ट हो गई। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं कालाहारी डेजर्ट हो गई, नामीबिया डेजर्ट हो गई, सहारा डेजर्ट हो गई,
अरेबियन पेनिनसुला पूरा का पूरा डेजर्ट है। ईरान भी आप देख सकते हैं, मंगोलिया देख सकते हैं, गोबी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट ऑस्ट्रेलिया ग्रेट विक्टोरिया वहां पर डेजर्ट पाई जाती है। सिमिलरली इंडिया में थार डेजर्ट है, पाकिस्तान का रीजन, अफगानिस्तान का रीजन, ये पूरा इलाका बेसिकली डेजर्ट क्लाइमेट है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और मॉइस्चर न के बराबर ही होता है। तो बेसिकली एरिडिटी ऑफ द हॉट डेजर्ट इज मेनली ड्यू टू द ऑफशोर ट्रेड विंड्स। एरिडिटी ऑफ कोल्ड डेजर्ट इज बिकॉज ऑफ ऑफशोर वेस्टर्लीज एंड लीवर्ड साइड इफेक्ट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखी है कि वेस्टवर्ड वेस्टर्लीज यहां पर बहती है और साथ ही साथ में लीवर्ड रीजन पाया जाता है, जिसके कारण से यहां पर रेनफॉल न के बराबर होती है। कोल्ड डेजर्ट भी यहां पर जनरेट होते हैं और ये जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई होने के कारण से ये ठंडे हो जाते हैं और रेनफॉल होती नहीं है, जिसके कारण से यहां पर ये इस तरीके से डेजर्ट बन जाते हैं, जिसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाने जाते हैं। बाकी इसके अलावा हॉट डेजर्ट तो होते ही है। मेनली ये जो डेजर्ट होते हैं आप देख सकते हैं कि 15 डिग्री से 30 डिग्री या इनफैक्ट 40 डिग्री लैटिट्यूड तक ये पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने नाम डिस्कस ही कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस द हॉट डेजर्ट लाई इन द हॉट लैटिट्यूड बेल्ट वेयर द एयर इज सबसाइडिंग, अ कंडीशन लीस्ट फेवरेबल टू प्रेसिपिटेशन। फर्दर विंड्स ब्लो फ्रॉम कूलर टू हॉटर रीजन, हेंस द लैक ऑफ वाटर कंटेंट। यहाँ पर वाटर कंडीशन अगेन जो होती है कुछ खास होती नहीं है, पानी जो होता है बहुत ही नीचे होता है, पथरीली जमीन होती है, जिसके कारण से कुछ खास वेजिटेशन भी नहीं मिलती। अभी हम लोग इसके बारे में बात भी करेंगे वेजिटेशन क्या है। कोल्ड करेंट हैव द इफेक्ट ऑफ कूलिंग द एयर, व्हेन दिस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट एयर ऑन द लैंड मास रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्रॉप्स फर्दर। इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लाइमेट क्या है। रेनफॉल के बारे में बात करें, काफी हल्की फुल्की रेनफॉल होती है, लेकिन समटाइम्स इट रिजल्ट इन थंडरस्टॉर्म एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल, और ये बेसिकली लोकल कंडीशन के जनरेट करने के कारण से ही होता है। बाकी जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहां पर भी हल्की फुल्की कभी छुटपुट रेनफॉल देखने को मिल जाती है, एंड बिकॉज ऑफ ओकेजनल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो देखने को मिलती है, वो भी कहां पर, कोल्ड डेजर्ट में, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर अगेन जो हॉट एरियाज है वहां पर काफी ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, जो कोल्ड एरियाज है वहां पर काफी कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, लेकिन एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है और साथ ही साथ डायूर्नल रेंज भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप कभी घूमने गए हो जैसलमेर के आसपास या जैसलमेर के इलाके में, यहां पर आप देखेंगे कि आपको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग और शाम के दौरान में आप बिना ब्लैंकेट के नहीं सो सकते हैं, और वही दिन में अगर बात करें तो दिन में आप परेशान रहेंगे, इतनी ज्यादा गर्मी होती है। सैंड ड्यून्स भी पाए जाते हैं, अगर आपको कभी मौका मिले तो बिल्कुल जाके घूमिएगा जैसलमेर के पास में वहां पर। साथ ही साथ हमारी काफी ज्यादा यादें भी जुड़ी हुई हैं 1971 वॉर से रिलेटेड। टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर हम लोग वेजिटेशन के बारे में बात किया जाए तो वेजिटेशन इज बेसिकली यहाँ पर श्रब्स और ऐसी वेजिटेशन पाई जाती है जो थिक होती है, मतलब जहां पर मॉइस्चर ये अपने बॉडी में स्टेम में सोख करके रखता है, जिसके कारण से ये अपनी इवेपोरेशन को रोक सके और ज्यादा से ज्यादा पानी वाटर अपने आप को अवेलेबल करा सके। मिनरल्स के बारे में बात करें तो मिनरल्स भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड ऑस्ट्रेलिया में, डायमंड और कॉपर कालाहारी डेजर्ट में, कॉपर और नाइट्रेट जो होता है अटाकामा डेजर्ट में, इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात करें तो अगेन यहां पर भी ट्राइब्स ही पाई जाती है, जैसे बुशमैन ट्राइब ऑफ कालाहारी साउथ अफ्रीका में, एबोरिजिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे बेसिकली प्रैक्टिस फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। बदायूं ऑफ सहारा एंड अरेबिया आर नोमैडिक हर्ड्समैन, तो इस तरीके से ये बेसिकली घुमंतू प्रणाली के होते हैं, नोमैडिक हर्ड्समैन होते हैं, और ये अपने जानवरों को चरा चरा करके ही अल्टीमेटली जो होती है चीजें कर रहे होते हैं। द रिवर वैली पासिंग थ्रू डेजर्ट रीजन एंड इन स्कैटर्ड ओआसिस एग्रीकल्चर हैज बीन डेवलप्ड, देयर आर परमानेंट रूरल सेटलमेंट एंड टाउन्स इन नाइल वैली एंड डेल्टास, द इंडस वैली इन पाकिस्तान एंड इंपीरियल वैली इन द कैलिफोर्निया, अगेन वो सेम तरीके की ही सिचुएशन, सेम तरीके का ही क्लाइमेट बता रहे होते हैं। मिडिल लैटिट्यूड डेजर्ट्स आर इनहिबिटेड बाय पास्टोरल नोमैड्स हु माइग्रेट इन सर्च ऑफ पास्टोरल, मोस्ट ऑफ दीज पार्ट इन गोबी डेजर्ट एंड द तिब्बत हैव लो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी। इन द नो लैंड ऑफ सेंट्रल एशिया एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस ओइंग टू इरिगेशन फ्रॉम अमू दरिया, सिर दरिया एंड अदर रिवर्स। आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारी सबसे पहली क्लाइमेट है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है, और लगभग लगभग
हर दूसरे साल किसी ना किसी एग्जाम में इधर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इन स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन इसके बारे में पूछा ही गया है, क्योंकि उसके साथ कुछ खास बात होती है। पहले तो आप इलाका देख लीजिए कौन कौन से इलाके हैं, जैसे मेडिटेरेनियन सी के आसपास में आप देख सकते हैं जो यूरोपियन साइड में, और साथ ही साथ में अफ्रीका साइड में आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सदर्न साउथ वेस्टर्न पार्ट में, साथ ही साथ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में छोटे छोटे पैचेस के रूप में ये पाई जाती है। लेकिन मेनली अगर बात करें इसका मेन जो रीजन है वो रीजन आपका है यूरोप के पास में। क्वेश्चन ये होता है कि पहले ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये डेवलप क्यों हुई है, ये डेवलप होती है बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन के बनने के कारण से। टेम्परेट साइक्लोन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि जो लैंड पे डेवलप हो सकती है और सी दोनों में डेवलप हो सकती है, लैंड पे जो डेवलप होती है वो अल्टीमेटली जेट स्ट्रीम के संपर्क में आने के कारण से आगे मूव करती है, और इसी मूवमेंट के कारण से इंडिया में बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से बारिश होती है। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे हम लोग जब इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, 30-45 डिग्री लैटिट्यूड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, इट इज कॉज्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड कम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ट्रेड विंड ड्यूरिंग द समर्स और वेस्टर्लीज ड्यूरिंग द विंटर, एंड दैट इज वाई हियर जनरेट अ न्यू टाइप ऑफ साइक्लोन दैट इज टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो हाइएस्ट टेम्परेचर आर एक्सपीरियंस्ड एज वी मूव इनलैंड अवे फ्रॉम मरीन इन्फ्लुएंस। रेनफॉल के बारे में बात करें तो अगेन साइक्लोनिक रेनफॉल होती है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया। जो जनरेशन होती है वो बेसिकली फ्रंटल जनरेशन होती है, फ्रंट के कारण से यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होते हैं और इसके कारण से हेवी शावर एंड ओनली अ फ्यू डेज विल विथ अ ब्राइट सनिंग इंटरवीनिंग डेज ये बेसिकली यहाँ पर डेवलप होते हैं। लोकल विंड के बारे में बात करें तो कुछ यहाँ पर लोकल विंड्स भी ब्लो कर रहे होते हैं, जैसे सिरोको, ये सिरोको वेस्टर्न सहारा या फिर सहारा डेजर्ट में बेसिकली ब्लो कर रहा होता है और अल्टीमेटली देख सकते हैं मेडिटेरेनियन के पास में ही गुजर रहा होता है। साथ ही साथ में मिस्ट्रल, बोरा, ये भी अलग अलग टाइप के यहाँ पर लोकल विंड्स पाए जाते हैं। वेजिटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेसिकली जो वेजिटेशन होती है वो मेडिटेरेनियन एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है या फिर कह सकते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट होती है। यहाँ पर मेनली फ्रूट्स और सिट्रस फ्रूट उगाए जाते हैं जिसका यूज बेसिकली वाइन प्रोडक्शन में किया जाता है। साथ ही साथ में फ्रूट्स जो डेवलप होते हैं वो फ्रूट्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। यहाँ पर एक और टाइप की कॉर्क ओक ट्री भी पाई जाती है जो कि बहुत ही कॉमन होती है यूरोप में, और साथ ही साथ में यूकेलिप्टस पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे रीजन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ देख सकते हैं मेडिटेरेनियन श्रब्स वगैरह भी पाई जाती हैं। ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात करें तो द रीजन डिराइव इट्स नेम फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, हाउएवर बेस्ट डेवलप्ड फॉर्म इज पर्टिकुलरली इन द सदर्न चिली। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट डेवलप होती है वो बेस्ट कहाँ डेवलप होती है, तो आप बताएंगे बेस्ट ये डेवलप होती है सेंट्रल चिली में। वंस द क्रैडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन मेडिटेरेनियन शोरलाइंस आर नाउ अ डेज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रूट कल्टिवेशन एंड वाइन मेकिंग, दे आर ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड्स ऑर्किड लैंड। क्लियर। आगे अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट क्लाइमेट के बारे में तो नेक्स्ट क्लाइमेट हमारी स्टेपी क्लाइमेट है। स्टेपी क्लाइमेट बेसिकली वो क्लाइमेट होती है जहां पर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज हो गई, इसी तरीके से साउथ अमेरिका में आएंगे तो अलग टाइप की होती है, पंपास हो जाती है, फिर आपकी स्टेपीज हो जाती है रशिया में, फिर इसी तरीके से वेल्ड हो जाती है साउथ अफ्रीका में, और डाउन हो जाती है कहां पर ऑस्ट्रेलिया में। तो हर जगह पर इस तरीके की जहां पर भी क्लाइमेट डेवलप होती है वहां पर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। अब ये ग्रासलैंड छोटे छोटे घास नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घासें होती हैं जिसमें एक जानवर, और वो जानवर एलिफेंट टाइप का, हाथी टाइप का जानवर भी इसमें छिप सकता है, इतनी बड़ी बड़ी घासें होती है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो दे बॉर्डर द डिजर्ट्स एंड दे लाई इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। बेसिकली ये डेवलप कहां होता है, ये डेवलप वहां पर होता है जहां पर हल्की गर्मी और हल्की ठंडी पाई जाती है, मतलब कि टेम्परेचर वेरिएशन होता है और रेनफॉल भी अच्छी खासी मिलती है। अच्छी खासी मिलने का मतलब क्या हो गया, जैसे एक बारिश हल्की सी आई फिर रेनफॉल हो गई, जिसके कारण से जो भी हल्की फुल्की ग्रास डेवलप हुई थी वो बढ़ना शुरू हो गई, फिर एक रेनफॉल आती है और अल्टीमेटली फिर सनलाइट मिल जाती है, जिसके कारण से जो डेवलपमेंट ऑफ द ग्रास होती है वो काफी तेजी से होना शुरू हो जाती है, और इस कारण से यहाँ पर ग्रासलैंड्स पाई जाती है। ये ग्रासलैंड हालांकि काफी इंपॉर्टेंट भी होती है वीट कल्टीवेशन के लिए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर। आगे अगर बात करें तो
टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, रेनफॉल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लोकल विंड के बारे में बात करें तो चिनूक यहां पर एक लोकल विंड पाई जाती है एंड दे आर बेसिकली इन द रॉकीज। वेजिटेशन के बारे में बात करें तो वीट रीजन होता है, वीट यहां पर काफी ज्यादा उगाया जाता है। द ग्रास लाई डॉर्मेंट इन द विंटर एंड बिकम एक्टिव इन द स्प्रिंग व्हेन द टेम्परेचर इज हॉट एनफ इन समर दे गेट स्क्रॉस्ड बट इन ऑटम दे ग्रो अगेन। तो इस तरीके से यहां पर एक वेजिटेशन कंडीशन भी ठीक ठाक पाई जाती है। आगे अगर बात करें तो यहां पर हमें चाइना टाइप क्लाइमेट मिलती है और ये चाइना टाइप क्लाइमेट को ही हम लॉरेंशियन टाइप भी क्लाइमेट बोल देते हैं। हालांकि ये लॉरेंशियन टाइप अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट आ जाती है बेसिकली हमारी वार्म टेम्परेट या फिर कह सकते हैं चाइना टाइप क्लाइमेट। ये थोड़ी थोड़ी एक्चुअली मानसून टाइप की ही होती है, इंडिया टाइप की ही होती है, बट यहां पर कोल्ड एरियाज में काफी ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है जो पोलर एरिया से आ रही विंड के कारण से होता है। इसके बारे में अगर डिटेल में डिस्कस करें तो एरिया पहले आप देख लीजिए, एरिया आपको चाइना के इलाके में, जापान के इलाके में, ऑस्ट्रेलिया के इलाके में, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका में फ्लोरिडा के रीजन में पाया जाता है। इस फ्लोरिडा के रीजन में आप देख सकते हैं, बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं इसकी क्लाइमेट में क्या हालत होगी। जैसे ऊपर से देख सकते हैं आप नॉर्थ साइड में कि दिस इज ओपन टू द पोलर एरिया। जब इलाका मतलब कि ये जो हेमिस्फीयर है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर कह लीजिए कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जब ये विंटर क्लाइमेट से गुजर रहा होता है तो पोलर विंड्स ये अमेरिका के काफी इंटीरियर तक आ जाती हैं। इंटीरियर में आने के कारण से आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है यानी कि जो लैंडमास है ये अंदर के साइड में पतला नैरो होते जा रहा है। नैरो होते जाने के कारण कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि यहां पर ए वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एरिया जब कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती आएगी वैसे ही जो यहां का प्रेशर होता है वो लो प्रेशर तब्दील होने लगता है, जिसके कारण से इस इलाके में काफी ज्यादा ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, वेलोसिटी तेज हो जाती है और ये फ्लोरिडा तक यानी काफी इंटीरियर ऑफ द लैंडमास तक ये एंटर कर जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो यहां पर नैरो पैसेज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइना टाइप क्लाइमेट। सिमिलरली हर एक कॉन्टिनेंट में हमें इसी तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो चाइना, गल्फ और नतल तीन टाइप की बेसिकली यहां पर पाई जाती है। वन बाई वन करके अगर डिस्कस करें तो चाइना विच इज बेसिकली इन द ईस्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ चाइना, बिकॉज साउथ साइड में तो मॉनसूनल टाइप पाया जाता है। ट्रेड विंड्स टेक द वार्म करंट मॉइस्चर इनसाइड एंड कॉज रेन इन द समर। तो अगेन वही जो गर्मी का सीजन इंडिया में होता है सिमिलर टाइप ऑफ वहां पर भी सीजन पाया जाता है एंड दैट इज वाई दे आर वेरी यूजफुल इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस। और आपको पता भी होगा चाइना राइस कल्टीवेशन में टॉप पोजीशन होल्ड करता है इन द ग्लोबल सिनेरियो। इन विंटर हाउवर देयर इज अ रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन एंड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ एशियन लैंडमास यहां का टेम्परेचर काफी गिर जाता है, टाइफून्स आती हैं और काफी ज्यादा जो पोलर विंड्स हैं उनका भी शॉक देखने को मिलता है। सिमिलरली गल्फ के बारे में बात करें तो गल्फ में भी सेम टाइप की यही चीज देखने को मिलती है। द मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस हियर एज द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन कॉन्टिनेंटल नॉर्थ अमेरिका एंड अटलांटिक ओशन इज नेवर हाई एनफ टू रिवर्स द विंड डायरेक्शन कंप्लीटली। और इस तरीके से हमें अलग तरीके की सिस्टम देखने को मिल जाती है। नेटल टाइप जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली साउथ अमेरिका, अफ्रीका और कुछ ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में देखने को मिल जाती है। यहां पर दीज लैंड हैव नो मॉनसूनल क्लाइमेट ड्यू टू द थिननेस ऑफ लैंड मासेस विच इज नॉट सफिशियंट टू कॉज एनी विंड चेंज। So annual range of temperature is less, rainfall is more and distributed throughout the year. Clear हो गया क्या चीज है? Rainfall and temperature के बारे में already हम लोगों ने discuss कर लिया कि temperature यहाँ पर again गर्मी के दिनों में ज्यादा होती है, ठंड के दिनों में काफी cool होती है और rainfall भी again vary कर रहा होता है। जो main shock होती है वो होती है polar wind की। Vegetation के बारे में अगर बात करें तो again eastern margin get more rainfall and hence more luxuriant वेजिटेशन। गर्मी के दिनों में काफी अच्छी यहाँ पर वेजिटेशन हमें देखने को मिल जाती है, लाइक राइस कल्टीवेशन हो गई या फिर और भी क्रॉप्स जो खरीफ टाइप की क्रॉप्स होती है उनको उगा दिया जाता है, जैसे मेज हो गई, कॉटन हो गई, टोबैको हो गई। इन सब के बारे में काफी अच्छा क्लाइमेट मिल जाता है इनके डेवलपमेंट के लिए। इनफैक्ट साउथ अमेरिका इज नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टोबैको। इनफैक्ट जितनी भी आप वेस्टर्न की मूवीज देखे होंगे तो वहां पर टोबैको की कल्टिवेशन या टोबैको की जब भी या फिर ड्रग्स की जो भी स्मगलिंग की जाती है आपने देखा होगा कि वो मेक्सिको और इस तरीके के रीजन में ही की जाती है और साउथ अमेरिका से की जाती है।
तो इस तरीके की मूवी से बेसिकली आपको सीखने को भी मिल सकता है, ज्योग्राफी भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर अच्छा वहां पर राह। चलिए खैर जोक्स अपार्ट, एंड मोस्ट इंटेंसली कल्टिवेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड होती है। द मेन कॉन्ट्रास्ट इज बिटवीन ओरिएंटल एग्रीकल्चर इन द चाइना एंड ऑक्सीडेंटल एग्रीकल्चर इन द यूएस। आगे अगर बात करें, द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट आती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। व्हाई इट इज ब्रिटिश टाइप? क्योंकि देयर इज नो नथिंग कॉल्ड एज क्लाइमेट हियर। एक्चुअली यहां पर कोई क्लाइमेट नहीं होती है, यहां पर वेरिंग क्लाइमेट होती है, या फिर इसको अगर बोले तो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन होता है यहां पर। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ पार्ट आ जाता है रॉकीज के पास का, साउथ अमेरिका में भी सदर्न साइड एकदम समझ लीजिए कि फॉकलैंड चिली के एरिया के आसपास में आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में नॉर्दर्न यूरोप और यूके के पार्ट में देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पार्ट में जैसे न्यूजीलैंड या तस्मानिया यहां पर देखने को मिल जाती है, लेकिन बट ये बहुत ही कम होती है। मेनली जो रीजन है वो ब्रिटिश टाइप की ब्रिटिश में ही पाई जाती है। अगर टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में बात करें तो न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, रेनफॉल न ज्यादा रेनफॉल न ज्यादा सूखा, तो हर तरीके की यहां पर कह लीजिए एक बैलेंस टाइप की यहां पर सिस्टम देखने को मिलती है। हर दिन एक समान टाइप का ही देखने को मिलता है, एंड दैट इज वेरी प्लीजेंट एक्चुअली। ये टेम्परेट क्लाइमेट होती है, एंड दिस इज वेरी प्लीजेंट क्लाइमेट। जैसे इनफैक्ट जो पहले जितने भी कंट्रीब्यूटर, पहले जितने भी फिलोसफर थे, उनका यही कहना था, जैसे हेरोडोटस, हेकेटियस या फिर एरिस्टोटल, इनका कहना यही था कि टेम्परेट एरिया में जो लोग भी रहते हैं दे आर वेरी काम एंड रिलीजियस, और जबकि जो ट्रॉपिक्स एरिया में रहते हैं दे आर वेरी एग्रेसिव बिकॉज ऑफ द वार्म क्लाइमेट। तो ये दिखाते थे बेसिकली टेम्परेट रीजन इज वेरी मच फेवरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन। टेम्परेचर एंड रेनफॉल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हीट वेव्स आर अ वेलकम फीचर इन द कूल टेम्परेट, क्योंकि ये बेसिकली टेम्परेचर गिरा करके अल्टीमेटली लोगों को सूर्य का दर्शन करा देते हैं। वेजिटेशन के बारे में बात करें तो डेसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पर थोड़ी मोड़ी पाई जाती है, और यहाँ पर बेसिकली जो होती है कोनीफेरस टाइप की एक्चुअली ट्री पाई जाती है बिकॉज ऑफ द हाई विंटर जो आइस होती है उसके कारण से। ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात करें तो दीज रीजन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फॉर फिशिंग एंड लंबरिंग। इस इलाके में बहुत ज्यादा लंबरिंग होती है, तो आपने अगर लोगन मूवी देखी होगी तो वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा कि लंबरिंग इज द मेन एक्टिविटी विच इज टू बी परफॉर्म बाई द एक्टर। तो वही चीज यहां पर भी, द रिसोर्स ऑफ सदर्न चिली हैव रिमेन ऑलमोस्ट अनयूटिलाइज्ड ओइंग टू रिमोट लोकेशन इन द साउथ आइलैंड ऑफ द न्यूजीलैंड। Rearing of sheep has developed as a commercial activity. Wool and mutton are also exported. इसी तरीके से नीदरलैंड, डेनमार्क, इन इलाके में भी सेम वही एनिमल रियरिंग इज द मेन एक्टिविटी। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में भी सेम इसी तरीके की एक्टिविटी होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वन थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर इज स्विस चॉकलेट, यानी बेल्जियम में अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो बेल्जियम की चॉकलेट बहुत फेमस है, वहां पर जाकर के आप चॉकलेट टेस्ट कर सकते हैं। तो स्विस चॉकलेट इंडस्ट्री इज अ वेरी गुड एग्जांपल, एंड इन देयर एक्सीलेंट यूज ऑफ अल्पाइन पैस्चर फॉर द कीपिंग डेयरी कैटल। तो ये चीज थी बेसिकली जो हम लोगों ने ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया। आगे अगर बढ़े हम लोग देखते हैं टैगा टाइप क्लाइमेट के बारे में, आवर सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ये टुंड्रा मतलब कि जो पोलर एरिया है उसे जस्ट पहले पाई जाती है। तो टैगा एक ऐसा रीजन होता है जहां पर थोड़ी मोड़ी रेनफॉल, थोड़ी मोड़ी गर्मी कह लीजिए, और थोड़ी मोड़ी वेजिटेशन यानी कोनीफेरस टाइप वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। ये परमाफ्रॉस्ट रीजन से जस्ट नेबरहुड में स्थित होता है। यहां पर देख सकते हैं लोकेशन आप इसकी कि स्टेपीज के जस्ट ऊपर होती है, और टैगा इज बेसिकली रशियन नेम। ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, जो यहां पर छोटी मोटी डिटेल्स है उसको आप लोग देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज अ टुंड्रा टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड स्टेपीज टुवर्ड्स द साउथ, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिया है। रेनफॉल टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया कि यहां पर टेम्परेचर रिलेटिवली कूल होता है लेकिन परमाफ्रोस्ट नहीं होता है, थोड़ी मोड़ी यहां पर हल्की फुल्की गर्मी हो जाती है। वार्म शॉर्ट वार्म समर यहां पर सीजन देखने को मिलता है। मेनली यहां पर टैगा टाइप के कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनकी जिनमें जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट जैसे पाइन हो गई, फर हो गई, स्प्रूस हो गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर हमें कह लीजिए कि कोनीफेरस ट्रीज यहां पर देखने को मिलते हैं। महोगनी हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रीज है। सेटलमेंट के बारे में बात करें तो अगेन यहां पर भी लंबरिंग काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। सॉफ्टवुड प्रोडक्शन होता है जिसका अलग अलग चीजों में काम, मतलब अलग अलग चीजों में इसका यूज कर लिया जाता है। साइबेरियन क्लाइमेट विद इट्स कोनीफेरस फॉरेस्ट इज कंस्पिकुअसली मिसिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द नैरोनेस ऑफ द
सदर्न कॉन्टिनेंट्स इन द हाई लैटिट्यूड। बाकी इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसकी जो भी माइन्यूट डिटेल्स थी। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट टाइप क्लाइमेट होती है जिसको हम लोग लॉरेंशियन क्लाइमेट बोलते हैं। ये लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट केवल और केवल हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। जिस तरीके से मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में आप लोगों ने देखा कि ठंड में बारिश होती है, विंटर के सीजन में रेनफॉल होती है, वो उसकी खास बात होती है, वैसे ही लॉरेंशियन क्लाइमेट की खास बात होती है कि केवल और केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है और बाकी जितनी भी टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो नॉर्दर्न सदर्न हर जगह पे पाई जाती है, बट लॉरेंशियन के लिए याद रखिएगा कि ये केवल और केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगेन इस पे क्वेश्चन बना हुआ है और आगे क्वेश्चन बनने की हाई चांसेस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो इलाका है वो साउथ चाइना, मतलब वेस्टर्न ईस्टर्न चाइना और फिर ईस्टर्न यूएस में, कनाडा के एरियाज में बेसिकली पाया जाता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या चीज है। रेनफॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोल्ड एरिया है और बेसिकली इलाका जो होता है वो ड्राई होता है और समर के सीजन में हल्की फुल्की गर्मी और हल्का फुल्का वेट सीजन हो जाता है। यहाँ पर अगेन जो ओशन करेंट्स होती है वो इसको गर्म रखती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गई या ओवाशी हो गई, ये सब इसको गर्म रखती है। एक्चुअली अनलाइक ब्रिटिश क्लाइमेट द एरिया इज बोथ मैरिटाइम एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, दोनों तरीके की यहाँ पर देखने को चीजें मिल जाती है बिकॉज इट इज नियर टू द ओशियन, तो कोस्टल इलाका होता है, इस कारण से भी हमें इस तरीके की ब्रीजेस मैरिटाइम क्लाइमेट देखने को मिल जाती है। अगर वेजिटेशन के बारे में बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन कवर्स मोस्टली डेसिडुअस एंड कोनीफेरस फॉरेस्ट, क्योंकि अगेन यहाँ पर भी जो इलाका है काफी ठंडा होता है तो कोनीफेरस फॉरेस्ट तो यहाँ की मजबूरी है। ठीक है, बाकी लंबरिंग एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट होती है, फिशिंग इंडस्ट्री है क्योंकि अगेन ये इलाका कोस्ट के इलाके के पास में है। बाकी छोटे मोटे ओट्स, बार्ले, पोटैटो, ये सब भी एक्टिविटी हो जाती है, बेसिक सर्वाइवल सब्सिस्टेंस टाइप की होती है, यहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह का सिस्टम नहीं होता है। तो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में, टुंड्रा का मतलब कुछ नहीं होता है, दिस इज जस्ट अ कह लीजिए कि जो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे, जैसे ग्रीनलैंड इलाका हो गया, आइसलैंड का इलाका हो गया, इस इलाके में बेसिकली टुंड्रा टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। ये इलाका परमा फ्रॉस्ट रीजन होता है, परमानेंटली ग्लेशियर से ढका हुआ होता है और ये इलाका बेसिकली रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो अंटार्कटिका का पार्ट हो चाहे वो आर्कटिक का पार्ट हो। हालांकि कुछ कंट्रीज जो होती हैं यहाँ पर स्थापित हैं और अपनी काम कर रही हैं, इग्लू वगैरह बना करके लोग रह रहे होते हैं, बट द ह्यूमन सेटलमेंट इज वेरी टफ हियर और बेसिकली केवल और केवल सर्वाइवल के बारे में बात होती है। यहाँ पर जितने जानवर होते हैं फर वाले होते हैं, चाहे वो रेंडियर हो गए या फिर व्हाइट भालू वगैरह हो गया, इस तरीके से यहाँ पर चीजें पाई जाती हैं। टुंड्रा के बारे में ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं बनता है और कुछ खास डिस्कशन करने को भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मोड़ी जो भी काई लाइकेंस और यही सब चीजें वेजिटेशन के रूप में होती है, टेम्परेचर परमा फ्रॉस्ट होता है और कभी गर्मी के दौरान में हल्की फुल्की अगर ग्लेशियर पिघल करके इलाका दिखना शुरू हो जाती है तो घास फूस निकल जाती है, अदरवाइज यहाँ पर किसी भी प्रकार की वेजिटेशन नहीं होती है। क्लियर, तो हम लोगों ने पूरा सारे क्लाइमेट्स के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने जीसी लियोंग के लगभग लगभग पेज बाय पेज हर एक चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अब आपको जीसी लियोंग एसएच पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आई विल रिकमेंड यू टू गो विद द जीसी लियोंग वंस कि आप देख लीजिए वन बाय वन करके क्या कुछ है वहां पर। देखिए किताब पढ़ने का अपना अलग मजा होता है और डिस्कशन का अपना अलग मजा होता है, तो एक बार किताब को जरूर देख लेना चाहिए। चले फिर यहीं पर एंड करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।